दोस्तों ये वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक अपडेट वीडियो है दुनिया के नंबर वन BCAA साइवेशन एक्सटेंड BCAA के बारे में। जी हाँ, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि वर्ल्ड्स नंबर वन BCAA है ये, और वर्ल्ड्स नंबर वन है या नहीं वो बात की बात है, पर हाँ सबसे पॉपुलर BCAA है ये। जैसे ऑन का गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन नंबर वन है या नहीं वो वाद विवाद की बात हो सकती है, पर हाँ ऑन का गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन सबसे पॉपुलर वे प्रोटीन है। तो ऐसे ही एक्सटेंड BCAA में भी शायद ऐसा हो भी सकता है कि आपने साइवेशन का नाम भी ना सुना हो कंपनी का, पर एक्सटेंड BCAA का जरूर सुना होगा क्योंकि साइवेशन कंपनी का स्टार प्रोडक्ट है ये, सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला BCAA पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर आप भी साइवेशन एक्सटेंड BCAA लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उससे पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि भैया खाने पीने की चीजें हैं इसमें, हमको वीडियो में फांस नहीं काटनी, हमको बेसिक क्लियर करते चलना है। BCAA है क्या, किसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और इसका कोई नुकसान है या नहीं है। तो BCAA मतलब ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, जिसके अंदर तीन एसेंशियल एमिनो एसिड्स आते हैं, ल्यूसीन वैलीन आइसोल्यूसीन। ये एसेंशियल क्यों है, एसेंशियल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी इसको खुद से नहीं बना सकती है, हमको ये बाहर से ही लेने होते हैं, और मसल रिकवरी में या फास्ट मसल रिकवरी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए BCAA हर वो इंसान यूज कर सकता है जिसका बॉडी गोल है मसल्स को ग्रोथ करने का, और BCAA को इंट्रा वर्कआउट में सबसे अच्छा माना गया है। वैसे BCAA को आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं, प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, पर सबसे अच्छा इसे माना गया है इंट्रा वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज के बीच बीच में, ताकि ये आपको एनर्जी भी दे और आपकी मसल रिकवरी भी दे, आपका फिजिकल वर्कआउट वो भी इंक्रीज हो जाए। तो मतलब ओवरऑल इंट्रा वर्कआउट आप इसे ले सकते हैं बेस्ट यूज के लिए, बाकी आप इसे पोस्ट और प्री कभी ले सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। इसे कौन ले सकता है, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने वाला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम करने वाला ले सकता है, इसे रनिंग करने वाला, साइकिलिंग करने वाला, इसे जो है स्विमिंग करने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला, कोई भी इंसान जो फिजिकल वर्कआउट करता है वो इसे ले सकता है अपने वर्कआउट के बीच बीच में पानी में घोल कर। और ये एक बार में नहीं पीना है, इसको आप सिप सिप करके पीजिए, मतलब अगर आप एक घंटे का वर्कआउट करते हैं तो एक घंटे के अंदर ये पूरा चलना चाहिए, मतलब 300 ml पानी में एक चम्मच डाल दो और वो 300 ml पानी ही आपको एक घंटे तक सिप सिप करते, जब भी आप थका फील करो या अपने हिसाब से आपको वो मैनेज करना है और वो एक घंटे तक चलाना है। तो BCAA का नुकसान क्या है, BCAA का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है और बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, स्पेशली उनके लिए जो इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं और ड्यूरिंग वर्कआउट थोड़ा लो फील करते हैं या फिर उनको जो है मसल पेन वगैरह ज्यादा होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्योंकि मसल रिकवरी देगा तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये आप ले लीजिए एक्सटेंड BCAA, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला BCAA सप्लीमेंट। अब बात कर लेते हैं भैया अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि जैसे कि लबराडा इंडिया में बन रहा है, जैसे कि ऑन इंडिया में बन रहा है, जैसे कि BPI इंडिया में बन रहा है, जैसे कि मसल टेक इंडिया में बन रहा है, अब आगे से आपको एक्सटेंड BCAA भी मिलेगा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, अब एक्सटेंड BCAA भी इंडिया में बनेगा, मतलब इनका पूरी प्लानिंग रहती है कि भैया पहले जो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कराओ, पर यूएसए मैन्युफैक्चरिंग आनी बंद नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपको यूएसए मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिल जाएंगे ओरिजिनल वाले सप्लीमेंट्स मिला पर, क्योंकि एक्सटेंड BCAA सबसे ज्यादा कॉपी है मार्केट में तो इसलिए बच के रहना है। तो भैया अगर इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स को देखूं जो कि मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूं, तो इसमें मुझे कुछ खास चेंज नहीं लगे हैं, 99% ये बिल्कुल सेम ही है जैसा कि आपके यूएसए वाला है। बाकी एक कंपेयर वीडियो मैं इनकी जरूर बनाऊंगा, आज तो स्पेशल मतलब छोटी सी एक अपडेट वीडियो है। तो वही अपना एक स्कूप है इसका, फ्लेवरिंग के हिसाब से इसके स्कूप में ऊपर नीचे होगा जैसे कि यूएसए मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, कि जैसे आप ये देख रहे हैं ये है वाटरमेलन फ्लेवर और ये है इटालियन ब्लड ऑरेंज फ्लेवर, तो इसका स्कूप है 14.2 ग्राम का, इसका स्कूप है 12.5 ग्राम का, तो ऊपर नीचे होगा। तो भैया वही आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ल्यूसीन मिल रहा है इसके अंदर वही 3.5 ग्राम, ग्लूटामीन 2.5 ग्राम, आइसोल्यूसीन 1.75 ग्राम, वैलीन मिल रहा है 1.75 ग्राम, इलेक्ट्रोलाइट ब्लेंड भी आपको मिल रहे हैं। तो भैया ये बिल्कुल सेम है इंग्रेडिएंट्स वाइज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है।
और मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हैं जी ब्राइट, जो कि इंपोर्टर भी हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के, तो ब्राइट हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर और ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडिया में, लिख भी रहा है यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होगा भैया। तो अब आप इसे लीजिए और इसे यूज़ कीजिए और अपने रिव्यूज़ दीजिए ताकि मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊँ कि भैया इंडियन मैन्युफैक्चरिंग साइवेशन एक्सटेंड BCAA के क्या रिजल्ट हैं और कैसे रिजल्ट हैं और USA वाले से बेटर है या नहीं, तो वो आप लोग ही बताएंगे। तो यूज़ करो और इन फ्यूचर मैं आपको बता दूं कि USA मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पूरी प्लानिंग होती है। जब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इंडिया में बनना स्टार्ट हुआ था तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड जो है USA वाला मिलता था, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ग्रेडिंग भी USA वाला मिलता था, पर अब जो है 99% प्रोडक्ट इंडियन वाले मिलते हैं, USA वाला इंपोर्ट बंद हो गया है। तो ऐसा ही मैं भी शायद ये भी करेंगे, मसल टेक वालों ने भी ऐसे ही किया, BPI वालों ने भी ऐसे ही किया, सबने ऐसा ही किया, तो मेरे हिसाब से ये भी ऐसा ही करेंगे कि भैया अभी USA वाला भी आता रहेगा ताकि डिमांड बनी रहे और जब इंडिया वाले की डिमांड बन जाएगी तो USA वाला आना बंद हो जाएगा, पर अभी तो आ रहा है तो आप फायदा ले सकते हो। तो ये अपडेट वीडियो है, एक्सटेंड BCAA अब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आपको मिलेगा और गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि भैया क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है तो कुछ ना कुछ टैक्स तो वो भी बचा रहे हैं भाई। देखो रॉ मटेरियल पे कुछ टैक्स लगता है, जो आप रेडीमेड माल मंगा रहे हो बाहर से उस पे कुछ टैक्स लगता है, तो टैक्स बेनिफिट के हिसाब से मतलब जो है ये इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, जो सारी कंपनियां कर रही हैं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से इनको, जो है कुछ ऑफर या कुछ लाभ या कुछ प्रॉफिट एक्सपाइजर जो है कुछ ना मिल रहा होगा तभी ये कर रहे हैं, वरना भाई क्यों करते हैं? अगर सब कुछ सेम ही होता तो वो अपने USA में बनाते, वहीं से भेज देते, तो यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, तो इसलिए उसमें से कुछ लाभ कस्टमर को भी दे रहे हैं। जी हाँ, क्या दे रहे हैं कि अब इसके प्राइस हो जाएंगे डाउन, जैसे कि एक्सटेंड BCAA जो USA मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल वाले का जो कि मिलेगा सप्लीमेंट सुला पर वो है ₹2500 100% ओरिजिनल GST बिल के साथ। अब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग अगर आप BCAA लेते हैं जिसके मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब सेम है तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा MRP बता देता हूँ MRP, अब हाँ इस पर इंपोर्टर टैग नहीं आएगा ध्यान रखेंगे, तो MRP है जी इसका ये रहा कहाँ है जी 2999 पर सप्लीमेंट सुला पर आपको ये मिलेगा 100% ओरिजिनल GST बिल के साथ, इंपोर्टर टैग आएगा नहीं, सिर्फ ₹1900 में। जी हाँ, सिर्फ ₹1900 में, मतलब सीधा ₹600 आपको कम देने होंगे। अब दोस्तों एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, आप अक्सर मुझसे कहते हैं भैया क्या इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बेकार है, खराब है, इसमें कोई कमी है, तो मैं बताना चाहूंगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है दोस्तों। इसका जो रॉ मटेरियल होता है, इसकी जो मतलब ब्लेंडिंग, मतलब जो भी इसका फॉर्मुलेशन होता है वो पूरा का पूरा आता है USA से, जो वहाँ पर इसकी जो कंपनी है, जो इसका हेड सेंटर है कंपनी का USA में, वहीं से सब कुछ आता है। मतलब कितना इसमें जो आपको वेलिन डालना है, ल्यूसीन डालना है, आइसोल्यूसीन डालना है, मतलब सारी चीज़ें जो है वो वहीं से ही आती है, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब वहीं से आती है, पर इंडिया में इसकी ब्लेंडिंग होती है और पैकिंग होती है, ये होता है बस। इसके अलावा रॉ मटेरियल, प्लानिंग, XYZ सब वहीं से आता है, तो कमी कुछ नहीं होती है इनमें। पर हाँ देखो, बस माइंड में थोड़ा ये हो जाता है भाई वो USA मैन्युफैक्चरिंग है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, तो थोड़ा सा वो डिफरेंस कर जाता है। बाकी मेरे हिसाब से देखो, मैंने अभी तक जैसे लबराडा है या मसल टेक है, तो मैंने कोई कंप्लेंट अभी सुनी नहीं है कि भाई इंडियन वाले में ये कंप्लेंट है वो कंप्लेंट है, पर हाँ थोड़े बहुत रिव्यूज़ ऊपर नीचे जरूर होते हैं, जैसे कि मसल टेक का नाइट्रो टेक है जो USA वाला है, उसके रिजल्ट बेटर हैं कंपेयर टू इंडिया वाले। अब ऐसा क्यों है भैया मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, बाकी मैंने लैब रिपोर्ट वीडियो सबकी बनाई रखी है और इसकी भी लैब रिपोर्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो आप ऑर्डर करें एक्सटेंड BCAA इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनल सप्लीमेंट्स वाला से, ऑर्डर करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन को अपना कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराओ या supplementsvala.com विजिट करो या फिर इतने सारे आउटलेट्स हैं पढ़ो, अरे वीडियो स्टॉप करके पढ़ लो यार, कहाँ कहाँ सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, आपके नज़दीकी कौन सा आउटलेट है वो कमेंट करके बताओ, और सप्लीमेंट्स वाला का आउटलेट ओपन कहाँ होना चाहिए वो भी बताओ यार। बाकी देखो आउटलेट्स कहाँ कहाँ हैं, अगर आपके नज़दीकी है तो आप वहाँ पर जाकर भी ले सकते हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं सब आपके अपने फ्रेंचाइजी वाले हैं। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।